क्या कहना चाहेंगे, इतने विषम परिस्थिति के बाद एक बार फिर एक माहौल बन रहा है कि लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं, आप तो क्या कहना चाहेंगे, आपके और अक्षर जी की जो जोड़ी है उसके बारे में कितना उत्साहित हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को बस एक ही बात का इंतज़ार था कि जल्दी से काम शुरू हो, क्योंकि जो हमारी फिल्मी परिवार है, जो फिल्म के हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, वो सभी लोग सब और हम सब भी घर बैठे हुए थे 7-8 महीने से। तो पहली जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि कितना जल्दी पहले काम शुरू हो जाए। सरकार की गाइडलाइन आने के बाद हम लोग ने शुरुआत कर दी, एक दो फिल्में बन भी चुकी हैं, और उसके बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई है, लगाओ है कि हो एक सेकंड होल्ड कर लो, कि जिस चीज़ का हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, आप समझिए कि लगभग 13 साल बाद, 13 साल पहले हम लोगों ने साथ में फिल्म बनाई थी, और उसके डायरेक्टर हमारे केडी जी थे, जिस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला, और उस फिल्म ने ही मुझे एक तरह से हीरो के रूप में इस्टेब्लिश किया था इंडस्ट्री में। उसके पहले एक दो फिल्में आई थी, पर निरहुआ रिक्शा वाला से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी फिल्म लगी वहाँ लोगों ने हीरो के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, और वहीं से निरहुआ रिक्शा वाला नाम भी पड़ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कई बार प्रयास किया एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, पर कभी परिस्थिति बनी नहीं और संयोग नहीं बन पाया। पर ये लॉकडाउन के बाद पहला जो मौका मिला वो सर के साथ ही मिला। सर ने जैसे कहा कि शूटिंग करनी है और हम एकदम रेडी हैं, तो हम बोले अगर आप रेडी हैं तो हम भी एकदम रेडी हैं, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। तो इस साल जो है पहली फिल्म ही हम शूट करने जा रहे हैं अपने केडी जी के साथ में। श्रेय श्रीवास्तव जी इसके प्रोड्यूसर हैं, जिनके साथ पहले से हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा था, पर लॉकडाउन होने के वजह से नहीं कर पाए थे काम। और अक्षरा जी के साथ में भी काफ़ी टाइम के बाद, अक्षरा जी के साथ मेरी फिल्म आई थी दिलेर, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया और संयोग नहीं बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो है अगर अपने किरदार में उनको रखना भी चाहते हैं तो उनके अगर समय नहीं मिला या नहीं बैठ पाया तो नहीं हो पाता है। पर इस बार जो है ये कहानी भी जब बनी तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि ये किरदार बिल्कुल अक्षरा जी ही करेंगी, और हमने भी कहा कि एकदम ये रोल जो है अक्षरा जी पे ही शूट होता है और वो करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अक्षरा जी भी संयोग से उस समय, जो समय हम लोग शूट करने जा रहे हैं वो उनका डेट्स मिल गया, तो अब हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, और टाइटल भी बहुत बढ़िया चुना है सर ने। तो बस आप सबका आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, और नए साल में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने दिनों के बाद हमारे जो दर्शक हैं वो लोग भी परेशान हैं, वो भी सोशल मीडिया पे लगातार पूछते रहते हैं कि नई फिल्म कब आ रही है, थिएटर में फिल्म कब आ रही है। और एक खास बात ये भी है, आज ही एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई बिहार में, और उसके तीनों शो जो है वो हाउसफुल हुए, तो इससे एक अच्छा संकेत ये भी मिला कि मतलब थिएटर में जो है ऑडियंस आने के लिए तैयार बैठी है, बस अच्छी फिल्में थिएटर तक पहुंचनी चाहिए। तो उसमें तो हमारे जो सर हैं वो मास्टर हैं, और ये इन्होंने प्रूव किया है। कई फिल्में मेरे अलावा भी जितनी इनकी फिल्में रही है, बड़ी फिल्में बनाया इन्होंने, और एक बार फिर से हम दोनों को साथ में मौका मिला है, मैं अपना जान लगा दूंगा, और मुझे पता है कि सर अच्छी फिल्म बना रहे हैं, हमारे लिए जानलेवा बन जाएगी। दिनेश जी, ये भी कहना चाहूँगा, पिछले 8-9 महीने से जो माहौल देख रहे हैं, तो आपका कई सालों से अभिनय करियर है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दौरान आप क्या करते थे घर पे, या किस तरह से अपना समय व्यतीत करते थे, क्योंकि शूट पे जाना, फंक्शंस पे जाना, शो करना, वो सब चीज बंद था 8-9 महीने से। बिल्कुल, एकदम घर में ही लॉक हो गए थे हम लोग, और मुझे लगता है कि 6-7 महीना मैं तो घर से निकला ही नहीं, मैं उतरा ही नहीं फ्लैट से अपने, क्योंकि जो गाइडलाइन आ रही थी सरकार की कि आपको जो है घर में रहना है और सामाजिक दूरी बनाए रखना है, तो उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी ये भी थी कि हम अगर सेलिब्रिटी हैं तो वैसे भी कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं जहां भीड़ भाड़ हो और नियमों का उल्लंघन हो, तो हम अवॉइड ही करते थे। पर बेचैनी तो थी कि कब शुरू हो, क्योंकि एक दिन भी काम किए बगैर रहना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए,
और खास करके जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं मेरे तरह, जिनको मजदूरी करने की आदत है कि सुबह उठे और सुबह उठ के तैयार हुए, 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जिनको खटने की आदत है, उनको घर पे बैठा दीजिए, आप भले उनको सब कुछ मिल रहा है बैठे बैठे, पर वो चैन से नहीं जी पाएंगे। तो बड़ी बेचैनी होती थी कि कब शुरू हो, क्योंकि काम करना है, बैठ के तो हम नहीं रह पाएंगे। तो भगवान की कृपा से अब सारी चीज़ें ठीक हो रही है, अब तो वैक्सीन भी आ गई है और 16 तारीख से जो है वो वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये नया साल जो है हम सब के लिए नई खुशियां लेके आए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। दिनेश जी, ये भी पूछना चाहूंगा, हाल फिलहाल में ही नोएडा में फिल्म सिटी बनने की बात थी, लेकिन उसमें भी राजनीतिकरण होने लगा कि नोएडा में फिल्म सिटी बने तो फायदेमंद है या नहीं है, उसके ना बताइए, आपने पक्ष में कहा, इसके क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक और फिल्म सिटी बनती है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बना रहे हैं महाराज जी यूपी में, नोएडा में, तो जिन सुविधाओं के लिए हमको मुंबई से लंदन जाना पड़ता था और बाहरी जगह या अपने देश में भी हमें रामू जी राव जाके शूट करना पड़ता था, तो अगर एक ऐसी फिल्म सिटी अपने भारत में बन रही है, नोएडा में बन रही है, तो ये हर इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, सबके लिए खुशी की बात है कि अगर उनको अत्याधुनिक सुविधाएं नोएडा में मिलेगी तो हम वहीं जाके शूट करेंगे, हम लंदन क्यों जाएंगे। तो उसके आने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और ये भी नहीं होने वाला है कि वहाँ फिल्म सिटी बन जाएगी तो हम मुंबई में शूटिंग नहीं कर पाएंगे, क्यों, यहाँ का जो काम है हम यहीं शूट करते हैं, जो यूपी में काम करना होता है यूपी में शूट करते हैं, लंदन जाना पड़ता है तो वहाँ भी जाके शूट करते हैं, रामू जी राव भी जाके शूट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेकार की बहस और बेकार की बात है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और देश में जितनी भी फिल्म सिटी बनेगी लोगों को और रोज़गार मिलेगा, सुविधा मिलेगी, लोगों को उनके घर के आसपास शूट करने की अगर सुविधा मिलता है तो उसमें अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं। मुझे लगता है, दिनेश जी ये भी कहना चाहूँगा कि ये माना जाता है कि सेलिब्रिटी का वक्त नहीं होता है, काम में बहुत व्यस्त होते हैं, आज आप माता जी के साथ आए हैं और बच्चे के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम को परिवार के बीच और काम के बीच में? मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो माता जी जल्दी मुंबई आती नहीं है, पर जब क्योंकि इनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, अब यहाँ फ्लैट में रहने को इनको जमता नहीं है, गांव में इनको अच्छा लगता है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं गांव जाता हूँ तो इनको लेके आ जाता हूँ, ये 10-15 दिन रहती हैं फिर भाग जाती हैं गांव। तो संजोग है कि अधिकतर जब मैं कोई फिल्म का मुहूर्त कर रहा होता हूँ और माता जी अगर मुंबई में है तो इनका आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं, और जब जब मुहूर्त में आई हैं, आशीर्वाद इन्होंने दिया है, तो फिल्में जो है बहुत सफल हुई हैं, और आज माता जी थी मुंबई में तो मैंने बताया कि चलिए आशीर्वाद दीजिए, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो माता जी ने कहा चलो बेटा अब तुम लोग को आशीर्वाद ही देंगे और क्या करेंगे। माई नमस्ते, कैसे मानी? बोला तनी जोर से, पूछा था वो कुछ बोला बोला प्रणाम, खुश रहा, बोल रहा बोलते हैं भैया कि हम खाली जन्म इन लोगों को दिले हैं, गरीब का लड़का लोग ना हो भैया, अपना अपनी प्रथा से अपना अतुल भक्ति से उन खा कमा लोग, फिर से आशीर्वाद दे देना। दिनेश जी एक आखिरी सवाल ये है कि आज के जो भी फिल्में हैं आप देख रहे हैं कि थिएटर का बिजनेस भी काफी प्रभाव पड़ा है इस चीज के लिए, तो OTT प्लेटफॉर्म पे सारी फिल्मों को दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों को, वो क्या समझते हैं कि जो कलाकार का एक इमेज होता है पर्दे पर जो होता है वो आप तुलना कर सकते हैं OTT पे? बिल्कुल नहीं कर सकते, और मैं ये मानता हूँ कि चूंकि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं खुद ऐसा फिल्मची आदमी हूँ कि मैं जानता हूँ कि फिल्म देखने का जो मज़ा है थिएटर में तो वो OTT पे तो नहीं आएगा, और मैं खुद भी जैसे ही थिएटर खुले तो मैं खुद जाके फिल्में देखना शुरू कर दिया, तो मैं मानता हूँ कि जो दर्शक हमारे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस थिएटर खुले, और जैसे थिएटर खुलेगा वो थिएटर में आएंगे, फिल्में देखेंगे। OTT पर प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, वहाँ भी फिल्में आएंगी, रिलीज होंगी, पर थिएटर का अपना मज़ा है और थिएटर के लिए हम फिल्में बना रहे हैं, और भगवान चाहेंगे तो आप देखिएगा इस फिल्म से जो है थिएटर में एक नया जो है जादू चलाएंगे हमारे KD जी, निरहुआ रिक्शा वाला की तरह।
थैंक यू सर, कम आइए।